हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज करवाऊंगी। इस बुक में टोटल 12 यूनिट्स हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको 3 ही यूनिट्स करवाई हैं, ज़्यादा नहीं करवाई हैं। लेकिन हाँ, कल तक मैं इसकी सारी यूनिट्स को अपलोड कर दूंगी। आज हम इसके यूनिट 4 और यूनिट 5 को कंबाइन करके करेंगे। मींस कि मैंने अब ये सोचा है कि दो दो यूनिट्स की कंबाइन वीडियोस डाल दूँ मैं आपके लिए, और उसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर दूँ। तो अभी हम कर रहे हैं यूनिट 4 और यूनिट 5। तो पहले स्टार्टिंग होगी, यूनिट 4 से 3 तक हो चुका है, कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड चैलेंजेस। और यूनिट 4 के बाद में आपका ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल बुक में 3 ब्लॉक दे रखे और हर एक ब्लॉक में 4 यूनिट्स दे रखी हैं। तो अभी हम इस फर्स्ट ब्लॉक की लास्ट यूनिट कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड चैलेंजेस। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। पहले तो इसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ग्लोबलाइजेशन की। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कल्चरल बेसिस पे, इकोनॉमिकली, सोशली, या कि अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, गुड्स को जब हम एक्सचेंज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये एक तरीके का ना सिंगल मार्केट बनाने का भी एक तरीका होता है, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश से बहुत से बच्चे बाहर दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं। इसके अलावा आप घूमने के बेसिस पे जाते हैं, टूरिस्ट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, जो हमारी कंट्री के बहुत सारे गुड्स का एक्सपोर्ट बाहर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्ट हम करते हैं बहुत अलग अलग कंट्रीज से। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस विच लीड्स टू एन इंटीग्रेशन ऑफ द कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें पार्ट्स में ही, इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ना, इनको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हुए चलते हैं और एक्सचेंज करते हैं। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द होल वर्ल्ड बिकम अ सिंगल मार्केट प्रोसेस कॉल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड द रॉ मटेरियल सर्विसेज। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आपके जो नेबर्स होते हैं, जो भी आपके कहीं पर भी आप रहते हैं, तो जो आपके पड़ोसी होते हैं उनके साथ में अच्छा रिलेशन हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। कभी आपने उनसे कुछ मांग लिया, कभी उन्होंने आपको कुछ दे दिया, या वो कभी आपसे कुछ ले गए। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं तो एक रिलेशन मेंटेन होता है, जैसे हम फैमिली के साथ में रहते हैं कि चीज़ों को शेयर करना। कोई कल्चर प्रैक्टिस है, कोई आपका फेस्टिवल है, आपने उनके साथ में सेलिब्रेट किया, उनका कोई फेस्टिवल है या खुशी का टाइम था, उन्होंने आपके साथ में सेलिब्रेट किया, आपके पड़ोसियों में किसी तरीके की प्रॉब्लम थी, कोई दुख था, उन्होंने आपको शेयर किया उस चीज़ को और आपने अपनी प्रॉब्लम्स को उनको शेयर किया। तो जब हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं ना, तो हम रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब यही सब चीज़ें ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होने लग जाती है, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें जो है ना, ग्लोबलाइजेशन में जैसे गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, फाइनेंस, पीपल, आइडियाज़, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये काफ़ी हद तक इनमें इनके अंदर काफ़ी हद तक इंटीग्रेशन होता है, इनका एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब हेडिंग है हमारे पास रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो ये ग्लोबलाइजेशन है ना, बताया मैंने आपको, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं बाहर की कंट्री से, या वो हमारी कंट्री से, टूरिस्ट होता है, फूड वगैरह, कल्चर प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका रेलेवेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन इंटरनेशनल मार्केट्स। और यहाँ पे कुछ आपको सिग्निफिकेंस दे रखे हैं, जैसे इट एनकरेज एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट होती है, उन सब में, उन सबको एक्सचेंज करने का एक एनकरेज होता है, एक हेल्प होती है कि चलो हम कोई और भी, अगर हमारी कंट्री से कोई एक्सपोर्ट करते हैं हम कुछ भी, तो और कंट्रीज़ भी देखती हैं कि चलो सामान कहीं से आ रहा है तो हम भी उसको यूज़ करके देखें, या जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करें किसी और की हेल्प से। तो इस तरीके से एक्सचेंज करने से ये एनकरेजमेंट मिलती है कि टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर लिया। जैसे कि हमारा जो भारत देश है, हम रशिया से और यूएसए से, जापान से, इन सब कंट्रीज से काफ़ी अपने वेपन्स को लेते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह को लेते हैं। तो ये चीज़ें क्या, हम टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करें, और बहुत सी चीज़ें हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में भी जाती हैं।
इसके अलावा मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स एंड इम्पार्टिंग देम द अपडेटिंग टेक्नोलॉजीज नो हाउ इज़ अ बिग चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ प्रोसेस विच प्रमोट्स अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, अडॉप्टिंग द अदर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, कल्चर डिफरेंसेज, फॉरन पॉलिसीज एंड मैनेजिंग चेंजेस. अब बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो हमारी खुद की कंट्रीज़ की नहीं होती, हम दूसरी कंट्रीज़ में उनको होता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए. बहुत सी पॉलिसीज़ होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, चाहे वो हाइजीन बेसिस पे हो, चाहे किसी को पनिशमेंट देने के बेसिस पे हो. बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जो बाहर की कंट्रीज़ में होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको उन प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज करते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से. जैसे कि क्रिसमस हमारा खुद का तो फेस्टिवल नहीं है ना, खुद का ओकेजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो इस तरीके से जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, कल्चरल्स होते हैं, इन सबको एक्सचेंज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट, रिट्रेन एज वेल एज ट्रेन इट्स वर्क फोर्स टू एडजस्ट डिफरेंट कल्चर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको ना, देखिए ये सारे पॉइंट्स में आपको यही सेम सेम चीज़ें बता रखी हैं. जैसे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ पे हमें ना आज की डेट में जर्मन सिखाई जाती है, फ्रेंच सिखाई जाती है, स्कूल्स में भी ना एडिशनल सब्जेक्ट को डाला जाता है. तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरी कंट्रीज से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो जब बाहर की कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं एजुकेशन पर्पज़ से, टूरिस्ट बेसिस पे, या फिर किसी जो मिनिस्ट्री वगैरह में एज अ ट्रांस ट्रांसलेटर आपको वर्क करना है, तो उस टाइम पे आपको अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसके अलावा भी आपको अलग लैंग्वेजेस को जानना पड़ता है. तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं, जो बहुत सारी कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, या फिर जो लॉज होते हैं, लीगल पॉलिसीज़ होती हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है. अगर हमें किसी और कंट्री में वो चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. इसके अलावा जो ये ग्लोबलाइजेशन है ना, ये पूरे दुनिया को एक ही धागे में बांधने का काम करते हैं, कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं. हम दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हैं पढ़ने के लिए, टूरिस्ट बन के, किसी भी तरीके से बिजनेस के पर्पज़ से आप जा सकते हैं, और दूसरी कंट्रीज से भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं. तो इससे क्या है, आप जो चीज़ों को एक्सचेंज करें, तो इससे हम पूरे जो दुनिया है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को ना हम एक ही धागे में बांधते हुए चल रहे हैं, कि लोग एक दूसरे से दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहें, रिलेट रहें, एक दूसरे को जानें, जो भी उनके ट्रेडिंग हैं, जो भी उनकी ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, व्यापार करने के तरीके होते हैं, वो सीखे, नई नई तरीके, टेक्निक्स वगैरह, और जिससे हर एक कंट्री अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक अच्छा बना पाए. तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, इसमें लिख सकते हैं. इसके अलावा जैसे जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है, स्मूथ कर दिया जाता है, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ये वाला पॉइंट अच्छा है, ऑल्सो प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स. जो अलग अलग लैंग्वेजेस हम सीखते हैं घर में, बाहर, ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पर भी, तो वो इसी वजह से होती हैं. और इसके अलावा ये सीखने के पीछे की वजह यही होती है, जो फॉरेन स्टाफ होता है उसके साथ में स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए, उनकी बातों को हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएँ. नेक्स्ट आता है आपके पास में टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो जो अभी मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन समझाया ना, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. जैसे फर्स्ट है इकोनॉमिक, सेकेंड है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन. तो ये कुछ आपको टाइप्स दे रखे हैं ग्लोबलाइजेशन के. पहला अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है, जहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं, कैपिटल होता है, जहाँ पे आप जैसे पूंजीपति, पूंजीवाद, ये सब चीज़ें कहते हैं ना, जहाँ पे आप पैसों वगैरह से, रुपी, ये सब चीज़ों में जो आप ग्लोबलाइजेशन करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. अब इसका एग्जांपल देखिए, हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडिंग है ना, वो डॉलर्स में होती है, यूरोज़ में होती है. बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ की ना अपनी एक करेंसी होती है, सब कंट्रीज़ की अपनी करेंसी होती है. तो जब हम उसको उस कंट्री में जाके अर्न करते हैं और इंडियन रुपी में अपने भारत में वापस से भेजते हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है. इसके अलावा नेक्स्ट आता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. तो इसमें क्या चीज़ होते हैं, जैसे किसी के कुछ कॉस्ट्यूम्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, तो उन चीज़ों को हम अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, कि कहीं की कोई कॉस्ट्यूम अच्छी लगी, कहीं का कोई ट्रेडिशन कल्चर प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी, किसी का कोई प्रिंसिपल आपको अच्छा लगा, तो उन प्रैक्टिसेस को आपने अपने कंट्री में या अपने आप में उस चीज़ को करने लग गए, तो वो चीज़ होती है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. जैसे कि आप यहाँ में दिल्ली में रहते हैं और आप कहीं पर भी किसी भी साइड जाते हैं, राजस्थान या किसी भी साइड आप जाते हैं, तो
वहाँ की जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसको पहन कर देखना, उसमें पिक्स लेना या फिर उस कल्चर को इंजॉय करना, तो ये चीज़ें कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में आती हैं। बहुत सारे जो बाहर की कंट्रीज़ का जो कल्चर है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उनसे चीज़ों को लेते हैं और उनके जैसे जो भी उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको सेलिब्रेट करने का जो भी तरीका होता है उसको हम भी धीरे धीरे चीज़ों को करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। अब जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है ना, इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका भी मन करेगा दिवाली सेलिब्रेट करने का, राखी सेलिब्रेट करने का। तो हिंदू समाज में, हिंदू सोसाइटी में जो राखी है, दिवाली है, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना, इनके पीछे बहुत जो रिचुअल स्टोरीज़ होती है ना, वो सब है, बहुत ही पौराणिक कथाएँ हैं। तो वो प्रैक्टिसेस हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में भी करते हैं और फिर वहाँ के लोग उन चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी ट्राई करते हैं उन चीज़ों को करने का। तो इससे जो कल्चर है ना वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होने लग जाता है। इसके बाद में क्या आता है, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनेंशियल या जो मॉनेटरी एक्सचेंज होता है उसे हम ग्लोबल फाइनेंशियल कहते हैं या फिर फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और ये हर एक कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे जो इकोनॉजी, जो फाइनेंशियल चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक मार्केट लॉस में चली गई, तो उसमें चीज़ों को जो ट्रेडिंग थी उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, टूरिस्ट वगैरह सब बंद हो गए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में टेक्नोलॉजिकल में आता है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, बहुत सारी जो ऐप्स होती हैं, बहुत सारा जो डिजिटल चीज़ें होती हैं वो हम दूसरी कंट्रीज़ के अपनी उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि पीडीएफ मेकर्स हो गए, जो भी पीडीएफ फाइल्स बनाते हैं, सोशल साइट्स होती हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, तो आपस में रिलेट करने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इंटरनेट हो गया या जो कम्युनिकेशन के अलग अलग प्रोसेस हैं, ये हमारे कम्युनिकेशन को ईजी और अप्रोचेबल बना देते हैं कि हम कंट्री के किसी भी पार्ट में या कहीं पे भी हैं, हम उससे बात कर सकते हैं। जैसे मेल सबसे इजी और इफ़ेक्टिव वे माना जाता है, बहुत ही जल्दी और आपका मैसेज एकदम से वहाँ पे पहुँच जाता है, चाहे कहीं पे भी हैं आप। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। जैसे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में क्या चीज़ें आती है, यूनाइटेड नेशन में जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एनजीओज हो गए, जो कि ग्लोबल लेवल पे वर्क करते हैं, पीस, प्रोग्रेस और एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी, जस्टिस, इन सबको लेके वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें क्या आती है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो इनमें जो फंड होता है वो फॉरेन कंट्रीज से रिसीव होता है, डॉलर या यूरो की फॉर्म में, या अलग अलग उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है ये एक पॉलिटिकल यूनिटी देता है। जैसे हमारे जो मोदी जी हैं वो बाकी की कंट्रीज़ में विजिट करके आते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी, फाइनेंस या जो भी चीज़ें हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें उन्होंने हमारी कंट्री के लिए वहाँ से चूज़ करी। तो ये चीज़ें क्या हैं, जब हम रिलेशंस को मेंटेन करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, ये तभी पॉसिबल हो पाता है। सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जिसमें जो पीपल हैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर सोसाइटीज़ के होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहें, जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको इंस्टेंटली शेयर कर देना, इंटरडिपेंडेंट करना, जैसे कहीं पे भी किसी भी कंट्री में कुछ भी हुआ है तो उसको फट से लोग ना पोस्ट कर देते हैं, इस साइट्स पे, सोशल साइट्स पे डाल देते हैं और वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ बन के स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल। ज्योग्राफी के जो ग्लोबलाइजेशन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो एक्सपीरियंस गेन करना हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रैवल पर्पस हो गया, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली दूसरी कंट्रीज़ में। मानिए आपको हमारे भारत की कोई जो एजुकेशन है ना वो चीज़ एक्सपेंसिव लगे, कॉस्टली लगे, तो आप दूसरी कंट्री से उसको जाके परस्यू कर रहे हैं, कहीं का कुछ अच्छा है तो आप उस चीज़ को जाके वहाँ पे परस्यू कर रहे हैं, जॉब वेरिएशंस देख रहे हैं कि यहाँ पे सैलरी कम मिल रही है तो आप वहाँ चले गए, या वहाँ पे आपको सैलरी कम मिल रही है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में तो आप दूसरी कंट्री में मूव ऑन कर गए। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी ज्योग्राफिक ग्लोबलाइजेशन में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, और इसमें ट्रैवल पर्पस पे भी हम जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे स्टेट्स में, कि हम कहीं पे घूमना चाहते हैं, कहीं की कोई फेमस जगह है जहाँ पे आप जाते हैं घूमते फिरते हैं, तो ये चीज़ें ज्योग्राफिक ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट होती हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। तो इकोलॉजिकल का मतलब हो गया जब आप एटमॉस्फेयर, डिज़ास्टर्स, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। जैसे मानिए कहीं पे एक पर्टिकुलर स्टेट में, कंट्री में डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों की लाइफ पे थ्रेट आ गया है, जो इनकी इकोनॉमी है वो डाउन हो गई, तो उसके लिए दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं पैसों से और फूड से, बाकी जो भी जो डे टू डे लाइफ की बेसिक नीड्स होती हैं उनसे उनको सपोर्ट किया जाता है। या किसी में जैसे अभी अफ़गानिस्तान का जो टाइम था तो उसमें क्या,
आइडियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन ही था कि दूसरी जगह पे उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया जो तालिबान था, तो वहाँ की कंट्री के लोग जो थे वो दूसरी कंट्रीज़ में हेल्प के लिए गए, या फिर जो वहाँ पे हमारी हमारे भारत के जो लोग थे उनको वापस बुला लिया गया। तो ये सब चीज़ें इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में आप लिख सकते हैं, जहाँ पे वेदर चेंज हो गया, एटमोसफेयर चेंज हो गया, कुछ डिज़ास्टर इन्फ्लुएंस हो गया जिससे आप लोगों को बचा रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ग्लोबलाइजेशन में लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किस किस तरीके से हम दूसरी कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, किस किस फील्ड में, कैसे कैसे प्रस्पेक्टिव्स के साथ में, तो ये कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास में आती है यूनिट 5, जिसे हमारा जो यूनिट 5 है वो है जॉब एनालिसिस। अब इसको पढ़ते हैं जॉब एनालिसिस। तो देखिए पहला तो ना आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ मैं, क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि जो इन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो एम्प्लॉयज़ के वर्क के ऊपर होती है। जितना ज़्यादा उनका इनपुट होता है उतना ही अच्छा उनको आउटपुट मिलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ऑफिस, उसको चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय जितना हार्ड वर्किंग, डेडिकेटिंग, ऑनेस्ट होता है उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उतना ही ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी ग्रोथ होती है। अब जैसे जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, लॉस है, तो वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करी जाती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ कितनी है, वो कितने लॉयल हैं अपनी ड्यूटीज़ पे, कितने ज़्यादा लॉयल हैं अपने वर्क को लेके, कितने ज़्यादा वो डेडिकेटेड हैं। जब आप एक सही पर्सन को सही प्लेस या जॉब या कैपेसिटी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, तो जो उनकी कैपेसिटी होती है या जो प्रॉपर सैलरी होती है, बेनिफिट्स होते हैं, उन सब में भी उतना ही एडवांटेज देखने को मिलता है। अगर किसी को अच्छा काम पसंद है, कोई अच्छा काम करता है, तो उसकी सैलरी भी की डिमांड भी उसी अकॉर्डिंग होती है। जो बेनिफिट्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी उसी अकॉर्डिंग होते हैं जितना आप उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, जितना इफेक्टिव वर्क एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन को देता है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बता रखे हैं, सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस एंड द जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जॉब में भी बहुत सारी ना वेरिएशंस होती है, पोस्ट होती है, तो किस करेक्ट पोस्ट के लिए आपको करेक्ट पर्सन को ही हायर करना पड़ता है। कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, पेइंग प्रॉपर सैलरी हो गया, बेनिफिट्स आर देयर फॉर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, जॉब एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमेटिक और थ्रू एग्जामिनेशन जॉब होती है। मतलब कि आपने एक जो भी आपके पास में जॉब है या पोस्ट है, तो उसमें आपने पर्सन को, एम्प्लॉय को एग्जामिन किया सिस्टमेटिक वे में। एक जॉब एनालिसिस हम करते हैं। अब जॉब एनालिसिस में ये भी देखा जाता है कि किस तरीके का काम आपको दिया जाएगा, क्या चीज़ होती है, कैसे टूल्स आपको यूज़ करवाए जाएंगे, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, तो ये सब चीज़ें जॉब एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है। इट रेफर्स टू अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ वर्क इन ऑर्डर टू कलेक्ट ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। तो ये जॉब एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी वर्क की, जो भी आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट द जॉब। अब यहाँ पर एक स्कॉलर का नाम दे रखा है जो आपको लिखना है, डेफिनेटली लिखना है। दो स्कॉलर्स मैं बढ़ा रही हूँ, एक है मॉन्डी और नोई, और इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेस्लर। तो दोनों ही इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इन्होंने भी जो जॉब एनालिसिस है इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो जो नॉई और मॉन्डी है ना, इनके अकॉर्डिंग जॉब एनालिसिस क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द स्किल्स, ड्यूटीज एंड नॉलेज और रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मिंग जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो होता है ये बहुत असेंशियल है और परसेसिव है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स टेक्निक के लिए जो भी एग्जिस्टिंग होती है। अगर हम बात करें डेस्लर की, तो इनके अकॉर्डिंग जो जॉब एनालिसिस है वो क्या है, एक प्रोसीजर है थ्रू विच यू डिटरमाइन द ड्यूटीज ऑफ द पोजिशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल्स टू हायर or for them। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पूरी जॉब के लिए, क्या उसका जॉब का डिस्क्रिप्शन है, क्या जॉब स्पेसिफिकेशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, किस तरीके का काम आपको करना है, और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये कि उसके लिए आपको क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जब भी आप कहीं पे जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं पे भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब का क्वालिफिकेशन है, कि आपको ग्रेजुएट चाहिए, टेक्निकल फील्ड में है, किस तरीके का जॉब का क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद में आप ये चीज़ भी देखते हैं कि जो जॉब आपको चाहिए, जिस भी तरीके की जॉब चाहिए, तो उसमें क्या क्या है, वर्क एक्टिविटीज़ होंगी, वर्कलोड कैसा होगा, एनवायरमेंट वहाँ का कैसा होगा। तो ये सब चीज़ें आप किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले सब देखते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जॉब एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट बाय द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन। जो भी जॉब एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं, मशीन्स क्या है, टूल्स इक्विपमेंट्स, इन सबको देखते हैं। और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस होता है, जॉब का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो स्किल्स वगैरह होती हैं ये किस तरीके की, क्या क्या कंडीशंस है, स्केड्यूल क्या है, किस तरीके का टाइम टेबल आपको वहाँ पे दिया जा रहा है, नॉलेज किस तरीके की चाहिए, क्या एक्सपीरियंस एक ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड होता है। तो ये सब चीज़ों पे जब आप वर्क करते हैं तो इसे हम जॉब एनालिसिस कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन पूरी कंप्लीट बता दी है। इसके बाद में कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो जॉब एनालिसिस हैं उसके बहुत सारे आपको यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं। जैसे कि जॉब एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता है जॉब के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जॉब डिटेल्स होती हैं, उन सबको दिया जाता है, जिसको डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस दे रखे हैं जो कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप इसकी जो मेन हेडिंग है ना उसको ध्यान में रख लेना, जिससे कि अगर मानिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मांगा जाए तो आप उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। पहला क्या देता है, जॉब कॉन्टेक्स्ट है, सेकंड है ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, थर्ड है ह्यूमन बिहेवियर है, उसके बाद में जॉब एक्शन है, उसके बाद में इक्विपमेंट मशीन टूल्स एंड वर्किंग एड है, और लास्ट आपको परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दे रखा है। तो इनको आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। जैसे जॉब कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी रिस्क फैक्टर होता है कि किस बेसिस पे आपको जॉब पे रखा जा रहा है, क्या आप में क्या जो नीड्स है वो आपने फुलफिल नहीं की तो आपको जॉब से फायर किया जा सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जॉब स्केड्यूल क्या है, रोटेशन क्या है, कितना जो वर्किंग आवर है वो किस अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ें जॉब कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। इसके बाद में ह्यूमन रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जो एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, क्या वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, किस तरीके की पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट क्या है, इमोशनल और इंटेलिजेंस क्वेश्चंस कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पास में ह्यूमन रिक्वायरमेंट में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स होते हैं ना वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में, कि जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो कैसा है, आप सबसे प्यार से बात करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही हवा में रहते हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन का तरीका है ना वो कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, कि अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपके पास आ जाए तो आप उसको कैसे टैकल कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कैसी है, कि बहुत पैनिक सिचुएशन है आपको अपने टीम एम्प्लॉयज़ के लिए या एज टीम मैनेजर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है उस डिसीजन को लेने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो कैसी है, तो ये चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर में देखी जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जॉब एक्शन कैसा है, कि अगर आप एज अ टीम मेंबर काम करते हैं तो आप किस तरीके से करते हैं, एज अ लीडर आप काम करते हैं तो आप कैसे करते हैं, गाइडेंस कैसे दे सकते हैं, ट्रेनिंग टीचिंग, ये सब चीज़ों पे जब वर्क किया जाता है कि कोई कितना अच्छा कैसे और कब तक जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर सकता है, कितना टाइम पीरियड देना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जॉब एक्शन में आती हैं। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट मशीन्स टूल्स एंड वर्किंग एड। जो भी आपका जो मशीन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसमें मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, अब वो टेक्निकल हो सकता है, प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, जैसे आप कहीं पे बैंक या ऐसी कंपनीज MNC वगैरह में काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है, आप उस डिवाइस को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है जैसे काउंसलिंग हो गया, गाइडेंस हो गया, रिपेयरिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों में आपका कितना वर्क करने का एक्सपीरियंस है, कितना अच्छे से आप काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें इक्विपमेंट मशीन्स टूल्स और वर्किंग एड में आती हैं। इसके अलावा लास्ट आता है आपका जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है, कि जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उससे लेके बाद तक आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें कितने चेंजेस आए हैं, कितना अच्छे तरीके से आपने काम किया है, जो भी आपका रिव्यू होता है एम्प्लॉयज़ का वो डेली बेसिस पे आप कितना उसको कर पा रहे हैं, अगर एज अ हेड आप वहाँ पे वर्क करते हैं, टीम लीडर आप वर्क करते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ पे कितना ध्यान देते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जॉब कॉन्टेक्स्ट हो गया, ह्यूमन रिक्वायरमेंट हो गया, ह्यूमन बिहेवियर हो गया, जॉब एक्शन हो गया, इक्विपमेंट मशीन्स टूल्स एंड वर्किंग एड हो गया, और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो गया। जॉब एनालिसिस में टाइप कॉन्टेक्स्ट के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड्स फॉर कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन। जैसे कि जो जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन होता है या आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे ना अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को चूज़ करती है, या फिर एक एम्प्लॉय अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या सेक्टर को चूज़ करता है। तो यहाँ पे आपको ना एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है। सबसे बेस्ट तरीका इसमें इस बुक में मुझे यही लगा कि यहाँ पे जितने भी
जो मेथड्स है जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन के, उसको यहाँ पे आपको इकट्ठा दे रखा है। आप अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो जॉब इन्फॉर्मेशन है इनको यहाँ पे मेन हेडिंग से याद रख सकते हैं और उसके बाद में थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में कि जैसे ये जो पॉइंट्स हैं ना जॉब इन्फॉर्मेशन के क्या क्या हैं, एग्जिस्टिंग डेटा हो गया, इंटरव्यू हो गया, सर्वेज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, या जॉब डायरीज है, पार्टिसिपेशन है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप टिप्स पर याद कर लीजिए, मेन हेडिंग है ये। और उसके बाद में यहाँ पे आपको ना थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देना है, जैसे कि जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि जो जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छा है या नहीं है, या फिर आप कितना अच्छे तरीके से उस काम को कर पाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज़ें आती हैं। ऑब्जर्वेशन जो है, अगर आप किसी वर्क में, किसी सेक्टर में वर्क करते हैं एज अ टीम लीडर, आप वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वो वीकली बेसिस पे हो सकती है, डेली बेसिस पे हो सकती है, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं और वीकली बेसिस पे देख रहे हैं कि जो काम है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, जिस तरीके के डिमांड वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपने लोगों को हायर किया था, क्या वो उतना ही जो कैपेबिलिटी है उसके साथ में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। और अगर एज अ एम्प्लॉय आप वहाँ पर वर्क करते हैं तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे आपको एक डेटा कंप्लीट करके देना होता है तो वो आपका वीकली बेसिस पे हो सकता है और जो आर्स बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जो ऑब्जर्वेशन है ना इसके कुछ आपको पॉजिटिव भी एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स कैसे, जैसे कि मानिए आपको ना एक डेटा कलेक्ट करके देना है अपना जो डिपार्टमेंट है, या आप एज अ लीडर कहीं पे वर्क करते हैं और आपको अपने सीनियर को एक डेटा देना है, पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपके अंडर जो टीम आती है उसका पूरा जो भी वर्क परफॉर्मेंस है उसका आपको एक डेटा कलेक्ट करके देना है। तो आपको ये होता है कि एक तो आप वीकली बेसिस पे रिव्यू कर सकते हैं कि सब कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं, और लेकिन अगर आप अपने काम को लेके सीरियस नहीं है और आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उस काम को करते हैं, तो आप इतनी सफाई से जब आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने जब आपसे डेटा मांगा तो उस टाइम पे आप मंथ में एक बार मांगा, तो आप जिस दिन मांगा गया उससे एक दिन पहले आपने जो भी ऊपर ऊपर से चीज़ों को ऑब्जर्व करके और आपने एक डेटा बना दिया, तो उसमें क्या है, आप ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी चीज़ ना जो नोटिस नहीं होनी चाहिए वो चीज़ नोटिस नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे बैलेंस शीट को क्रिएट किया जाता है तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट में आता है कि आप अपने जो ड्यूटी है ना उसके लिए आप अच्छे तरीके से नहीं थे, और पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये आता है कि आप वीकली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी ऑब्जर्वेशन में। इसमें भी आप अपने कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं एग्जांपल के साथ में। यहाँ पे एक जॉब एनालिसिस है जो कि ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स को यूज़ करें, यहाँ पे दो लोग हैं और एक जो है ना वो एनालाइज कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें हो रही है क्या उस तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही। ये हर एक डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलता है, चाहे हॉस्पिटल सेक्टर हो, वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ना वो अपने जो जूनियर्स होते हैं या जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको चेक करते रहते हैं कि क्या जो भी प्रेस्पेक्टिव्स हैं या जो भी प्रैक्टिस है वो उनके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपको डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटरव्यू। जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो ये भी जॉब एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो दो तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे पहले से आपके पास में क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर कर दी जाती है। आप कहीं पे भी जाते हैं तो इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करी हुई होती है जहाँ से आपसे सेलेक्टिव क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है और आपसे मांगा जाता है उसके आंसर्स को, और कि आप उसके लिए जो जॉब आप लेना चाहते हैं कि आप उसके लिए मतलब कि आप उस पोस्ट को डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये जो होते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए होता है, या फिर जो अगर आप वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो भी उस टाइम पे ये जो इंटरव्यू है ना ये हो जाता है कि आपने जो काम है वो कितना अच्छे तरीके से सीख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से नहीं सीख रहे हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सर्वे। सर्वे का मतलब होता है जो जॉब एनालिसिस है ना उसका आपने सर्वे किया कि कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करी हुई थी तो उससे आपने रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपने देखा होगा सर्वे होते हैं, पॉपुलेशन सर्वे होता है, लोगों ने जो कोविड का टाइम था उस पर कितने लोगों ने इंजेक्शन लगवाया नहीं लगवाया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं सर्वे में आती हैं। तो अब यहाँ पे ना कुछ जॉब टाइटल्स होते हैं जो आपको सूट करें, उसमें सर्वे में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं कि जो सर्वे होता है ना इसके थ्री एडवांटेजेस होते हैं। पहला तो क्या है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्ट हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और टाइम सेव हो जाता है। मानिए कि आपकी एक अपना 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसको आप ना पढ़ाते हैं, तो आपने क्या किया वहाँ पे ना देखा कि जो 40 स्टूडेंट्स हैं ना उसमें आपने क्या किया, एक मॉनिटर बना दिया और उसको आपने बोला, ये ड्यूटी दी कि इन 40 स्टूडेंट्स में से आपको ये चेक करना है कि कौन बिलो एवरेज बच्चा है, कौन
ऐसा बच्चा है इन 40 में से जो पास भी नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया, अपना काम आपने किसी एक पर्सन को दे दिया, उसने पूरा सर्वे कलेक्ट करके आपको दे दिया कि इतने इतने मार्क्स है। तो इससे क्या है, आपका टाइम सेव हो गया। और फिर जो आपने सब पे अलग से मेहनत ना करके जो गिनती के 10, 20 या 5, 6 जितने भी बच्चे निकले उन पे आपने अलग से मेहनत कर ली। तो ये चीज़ें होती है ना, एक लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट होने के बाद में टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके का जो वर्क है वो आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो सर्वे जो होते हैं वो किस किस के हेल्प से हो सकते हैं, जैसे वर्कशॉप मैनेजर हो गया, मशीन ऑपरेटर होते हैं, वर्कशॉप सुपरवाइज़र हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जॉब डायरीज। जॉब डायरीज़ का मतलब क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे जो अपनी वर्क एक्टिविटीज़ हैं उनको लिख रहे हैं, जो भी आपका सेल्फ प्रोसेस है। जैसे आप डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि आज आपने इतना काम किया, कल आपको इतना करना है, यहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ तो नेक्स्ट डे आपको वहाँ पे अपने टाइम को सेव करना है। तो ये चीज़ें आपकी जॉब डायरीज़ में आती हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम टू राइट डायरी आपने ले लिया, तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो लोगों को ना फेस करनी पड़ती हैं कि आपने ज़्यादा टाइम ले लिया या फिर आप लिखते ही चले गए, आप ना जैसे टाइम टेबल बनाते ही रह गए, आप उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए, या फिर जो क्लैरिटी होती है इन्फॉर्मेशन की, डेटा प्रोवाइड की, या फिर जो लिटरेसी लेवल होता है एम्प्लॉयज़ का, इस वजह से भी कई बार ये दिक्कतें फेस करने को पड़ती हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ दे रखी हैं जॉब डायरीज़ में कि जहाँ पे आपको डेली बेसिस की जो अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ रिकॉर्डिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि आपको अपने मिनट, आवर्स और जो डे होता है उसका पूरा आपके पास में ब्यूरो होता है कि आपने यहाँ यहाँ इसको यूज़ किया और यहाँ आपने इसको मिस यूज़ किया। तो उससे आप अपने जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब डायरी में ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो एक एम्प्लॉय को फेस करनी पड़ जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशंस और एग्जिस्टिंग डेटा। ये दो लास्ट टॉपिक्स आपके यहाँ पे बचे हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि कोई भी आपने ना जॉब एक्टिविटी को परफॉर्म किया, कोई भी स्पेसिफिक जॉब एक्टिविटी थी जहाँ पे डिबेट या कुछ आपने ऐसा एंटरटेनमेंट बेसिस पे उसको किया, तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन से ये होता है कि आपको पता चलता है जो प्रोफिशिएंसी होती है, प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं कैसी हैं, उनका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एग्जिस्टिंग डेटा। तो इसमें क्या है, मोस्ट लार्जली वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप कंपनी यूजुअली हैव सम डेटा और रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स कैन बी यूज अ जॉब एनालिसिस प्रोसेस। दैट इज जैसे ना बहुत सारी जो रेपुटेटेड कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास ना अपना एक रिकॉर्ड डेटा होता है, जो पहला बैच आया था उसके पास में उन्होंने कितना आउटपुट दिया, जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कितना दिया, जो ट्रेनीज थे वो कितना अच्छे तरीके से कॉप अप कर पा रहे थे, अभी जो प्रेजेंट में जो जॉब है उसमें जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो कितना आउटपुट दे रहे हैं कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो जब इस तरीके का आपके पास में स्टैटिक डेटा होता है तो उसे हम एग्जिस्टिंग डेटा कहते हैं। अब ये जो होती है ना जॉब एनालिसिस रिपोर्ट होती है, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है या जो टास्क शीट होती है कि 1 ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से यहाँ लेकर आना है, तो इसके बीच में इतने गोल्स को अचीव करना है या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका किस तरीके का वर्क परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये सब चीज़ें एग्जिस्टिंग डेटा में आती हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। मतलब यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दे रखे थे कलेक्टिंग फॉर जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, ये चार्ट आप याद रख लेना, उसके बाद में आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक आता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरीज, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट हो गया, मेंटल प्रोसेस हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, रिलेशनशिप विद अदर पर्सन हो गया, जॉब कॉन्टेक्स्ट हो गया और अदर करेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसको आप वीडियो को पॉज करके भी इन पॉइंट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच।